गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद यानी भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या भगवान को? ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जरा सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसे ये नहीं पता कि भगवान कौन है, जिसे ये नहीं पता कि समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे शिक्षा देने वाला वास्तविक रूप में गुरु ही होता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता पवित्र होता है। इस कथन को आज के छात्रों को समझने की बेहद जरूरत है। आज खबरों में तरह तरह की बातें सामने आती हैं। कोई शिक्षक अपने छात्र पर इस कदर क्रोधित हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई छात्र अपने शिक्षक की बातों को इतना बुरा मान जाता है कि वह हिंसा पर उतारू हो जाता है। आज के इस बदलते परिवेश को हमें पहले जैसा बनाने की जरूरत है। शिक्षक दिवस पर उस कहानी को सुनने की बेहद जरूरत है जो एक गुरु और शिष्य के रिश्ते को पवित्र बनाता है। मैं यह सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार का सम्मान मुझको मिलेगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। यह पहली बार अपने जीवन के हमारा ये 35 वर्ष का कार्यकाल है। इस 35 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि हमारे शिष्य इस प्रकार से हमको और हमारे साथियों को सम्मानित किया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का भाव चित्रण आज महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के अवसर पर गाजीपुर जनपद के रायगंज स्थित सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर के प्रांगण में साक्षात देखने को मिला। विद्यालय का पूरा वातावरण अद्भुत और भाव विभोर था। विद्यालय के लगभग 30 साल पुराने छात्रों के समूह ने अपने गुरुजनों को सम्मानित कर उनका मान बढ़ाया। नब्बे के दशक के पास आउट छात्रों को शिक्षित करने वाले आचार्य नगेंद्र पांडे अभी भी विद्यालय में अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। बाकी उस समय के शिक्षक क्रमशः सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अपने प्रिय छात्रों को देखकर आचार्य नगेंद्र पांडे भाव विभोर हो गए। 30 साल पहले जिन भयाओं को मैंने पढ़ाया था, आज वह सब मिलकर के इस शिक्षा 5 सितंबर का जो दिन है इसको इसमें 4 चांद लगाया और एक दूसरे को एक कड़ी के रूप में जोड़ते हुए सभी लोग यहाँ पहुँचे। और मैं यह सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार का सम्मान मुझको मिलेगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। यह पहली बार अपने जीवन के हमारा ये 35 वर्ष का कार्यकाल है। इस 35 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि हमारे शिष्य इस प्रकार से हमको और हमारे साथियों को सम्मानित किया। पुरातन छात्र भी अपने गुरु संग बैठकर शिक्षा के दौरान की यादें ताजा करते हुए नजर आए। जी हाँ, ये अद्भुत नजारा था, ये अकल्पनीय था। जरा सोचिए, 30 साल पहले जब वो छात्र प्राइमरी में पढ़ते होंगे, उन्हें क्या याद होगा कि उनके गुरु कैसे थे, उन्हें क्या याद होगा कि वहां का वातावरण कैसा था। लेकिन यही गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। ये रिश्ता इतना पवित्र होता है कि शिष्य को अपने गुरु तक खींच के लाता है। इसी पवित्र रिश्ते को आज के परिवेश में समझने की जरूरत है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग अपने जीवन के पहले स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में एकत्रित हुए हैं और
32 साल बाद हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम अपने प्रथम गुरुओं को आज शिक्षक दिवस पर जो कुछ भी हमने उनसे सीखा था उसके बदले में अल्प में जो भी हम कर सकते थे वो आज हमने करने का प्रयास किया है। इस पूरे अवसर को संपादित संचालित जो भी कहिए इसको पिरोने का काम हमारे मित्र कर रहे हैं कृपा कृष्ण जी, जिनके 3-4 साल के प्रयासों के बाद हम 17-18 लोग, मुट्ठी भर लोग जिनको कहिए, वो एकत्रित हुए हैं और अपना जो भी कुछ कर सकते थे उसको करके आज यहाँ स्कूल में जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं सबको कुछ देने की कोशिश की है। शिक्षक दिवस पर गुरु और शिष्य का मिलन देख उपस्थित लोग भी आत्ममुग्ध हो गए। विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि ऐसे क्षण ऐतिहासिक और भावनाओं के परिपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पलों में अपने भावों पर नियंत्रण रख पाना मुश्किल होता है। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर पुरातन छात्रों द्वारा प्रत्येक गुरुजन को उपहार स्वरूप वस्त्र, कलम, अंगवस्त्र व मिठाई भेंट किया गया। पुरातन छात्रों का कहना था कि माता पिता के बाद एक गुरु का ही ऋण होता है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। गौरतलब हो कि 90 के दशक के छात्रों में लगभग सभी छात्र अपने जीवन में सफल हैं। ये सभी छात्र विभिन्न प्रतिष्ठित जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई जज है, कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई बिजनेसमैन, तो कोई पत्रकार है, तो कोई फौजी, तो कोई डॉक्टर। पुरातन छात्रों के जज्बे और सफलता को देखकर विद्यालय के नन्हे और वर्तमान के छात्रों में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ और ये संचार निरंतर होना भी चाहिए। आज के छात्रों को इस घटना से सीखने की जरूरत है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कितना पवित्र होता है। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान छात्र के जीवन में कभी खत्म नहीं होता। ये ज्ञान छात्र के भविष्य को हमेशा उज्ज्वल बनाता है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।